इतनी सुंदर जगह है ये। इन सब जगहों पे आप तभी रुक सकते हो जब आप खुद ड्राइव कर रहे हो, नहीं तो कभी रुक नहीं पाओगे। वो रही मेरी गाड़ी और ये है, लग तो रहा है एक तालाब है, नहीं खेत है, पानी भर गया। जब आप गाड़ी से जाते हो तो इन सब जगहों पे रुकने का कितना मन करता है ना, लेकिन आप रुक नहीं पाते हो। मतलब अपनी गाड़ी है तो रुक पाओगे, लेकिन जब आप बस से जाते हो या भाड़े की गाड़ी पर जाते हो या शेयरिंग पर जाते हो, तब ये सब जगह दिखती है तो रुकना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। मुश्किल नहीं होता, असंभव हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर रुकता ही नहीं है। चारों तरफ खेती खेत, थोड़ी देर तक यहाँ पे आराम करता, उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत समय है। मैं सुबह जल्दी निकला था ना, इसीलिए मैं सुबह जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि धूप हो जाएगी, लेकिन धूप तो हुई नहीं, तो अब थोड़ी सी थोड़ा सा रुक रुक के जा सकता हूँ। अब चलने का समय हो चुका है, हेलमेट उठाता हूँ, चलता हूँ। अगर 2-3 बजे तक सिलीगुड़ी पहुँच गया तो वहीं पे जाके लंच करूँगा सीधा। अच्छा जगह है ना, देखो हाथ में बच गया, धूप नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। तो अब जाने का समय हो चुका है, बैग सही है, ये यहाँ पे रख ली, अब चलता हूँ। हमारी यात्रा शुरू। यहाँ से मैंने मैप में चेक किया, 148 किलोमीटर दूर है, और उसे कवर करने में मैप में जो दिखा रहा है, गूगल में दिखा रहा है, वो 3 घंटे 15 मिनट है, मतलब मुझे 4 घंटे लगे, और अभी बज रहा है 10, तो इसका मतलब ये है कि 11, 12, 1, 2, अगर मैं 3 बजे तक भी सिलीगुड़ी में पहुंच जाता हूं तो मेरे लिए काफ़ी। बंगाल में घुस चुका हूँ और यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, सबके ऊपर आलू है। मतलब बिहार से वेस्ट बंगाल में जितने भी आलू होते हैं बिहार से आते हैं, इसका मतलब वेस्ट बंगाल में तो मैं घुस चुका हूँ, लेकिन इसके बाद फिर से बिहार शुरू होने वाला है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, पिछले 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे सूरजपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, आके जाके आएगी कांकी डैम, उसके बाद आएगी हटवर, और उसके बाद फिर से हम लोग बिहार में चले जाएंगे। ये जो एरिया है ना, ये बिहार की है, तो इसके बाद फिर हम लोग किशनगंज होंगे, बिहार में घुसेंगे, फिर बिहार को किशनगंज होते हुए पंजीपारा में घुस जाएंगे, और फिर सिलीगुड़ी यहाँ पे। तो यहाँ से कितनी दूर है सिलीगुड़ी? है हाँ 118 किलोमीटर, जिसे कवर करने में मुझे 2 घंटे 35 मिनट लगेंगे। बज रहे हैं अभी 11,
मतलब 2 घंटे 12:01 मतलब 2 बजे तक मुझे सिलीगुड़ी पहुंच जाना चाहिए। वेदर काफ़ी शानदार है, धूप अभी तक नहीं निकली हुई है, तो ये मेरा भाग्य है। अब चलता हूँ। अरे सो जाओ यार, नहीं तो किक मारना पड़ेगा। बैग मेरी इतनी बार गिरी ना कि धूल से लथपथ हो चुकी है। हो गई, चलते हैं। 2 घंटा 35 मिनट सिलीगुड़ी। बाप रे, उस घर में तो पूरा आलू का पूरा स्टॉक लगा दिया गया है। अब मुझे मन कर रहा है कहीं रुक के एक कप चाय पी। इतना देर तक ड्राइव करने के बाद एक कप चाय तो बनता है। किशनगंज 1 किलोमीटर, मतलब अब मैं वेस्ट बंगाल से फिर से बिहार में जाने वाला हूँ। इस्लामपुर 30 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 170 किलोमीटर, दार्जिलिंग यहाँ से 174 किलोमीटर है, और बोंगई गांव 350 किलोमीटर, गुवाहाटी 500 किलोमीटर के ऊपर। तो मैं फिर से बिहार में प्रवेश करने वाला हूँ। ये आ गया बिहार, किशनगंज पुलिस। वेस्ट बंगाल पुलिस का बोर्ड हट गया, अब किशनगंज पुलिस आ गई। बस बिहार को छूते हुए फिर से वापस वेस्ट बंगाल में घुसना है। ये पुल पे चढ़ के मैंने सही किया, आशा करता हूँ। हाँ, जाना तो सही ही होगा ना, और किधर जाना। बम्पर से गुस्सा, जैसे ही बम्पर आता है ना, मेरा पीछे का बैक पैक यूज हो जाता है। मुझे वो रोड लेना चाहिए था, मुझे उधर चाय मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। जय श्री राम। अरे बाबा, कहीं से भी पार हो रहे हो। हो जाओ। ये हो गई अभी किशनगंज। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है, तैयार है हम, स्टार सीमेंट अक्षय कुमार। ये है किशनगंज की ट्रेन स्टेशन। अरे यहाँ का तो रोड थोड़ा सा दिक्कत वाला है, ये एक ही लेन में दोनों तरफ गाड़ी आ रही है और जा रही है। पता ही होगा कि सतगुरु अभी रोड ट्रिप कर रहे हैं, मतलब सेव द सॉयल जो उन्होंने शुरू की है 10,000 किलोमीटर। मुझे लग, अगर मैं सही हूँ तो वो करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, लंदन से साउथ इंडिया 10,000 किलोमीटर 100 दिन में। सही है ना, उस उम्र में भी वो इतने एक्टिव है। बाप रे, ये तो काफ़ी खतरनाक, अभी तक का सबसे ख़राब रोड है ये। ओ, ओ, ओ। मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, बात चलाने की नहीं है, बात है बैठे बैठे। आओ,
बैठे बैठे अच्छा खासा दुख रहा है, आदत नहीं है ना। ये कौन सी ट्रेन जा रही है? मैं यहाँ पे खड़ा था ना, तो वहाँ पे मुझे अजीब सा एक फूल दिखा। अजीब नहीं मतलब सुंदर फूल, आपको भी दिखाता हूँ, शायद आप कभी देखे होंगे या शायद देखे होंगे, मुझे नहीं पता। ऐसा फूल मैंने कभी नहीं देखा है, ये देखो। है ना, ऐसा फूल मैंने पहली बार देखा, वो भी मैं रोड के बीच में देख रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी उधर लगी हुई है, यही है फायदा। ये देखो, नाम नहीं पता। यहाँ से सिलीगुड़ी है 93 किलोमीटर, और जिसे कवर करने में लगेगा एक घंटा, डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे का समय, और अभी बज रहे हैं 12, मतलब 2 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलता हूँ, थोड़ी देर रुक कर आराम कर लिया। तो अपनी यात्रा शुरू करता हूँ फिर से। ऐसे रोड में चलाने में मजा आया, इसे कहते हैं रोड। सभी भी जा रहे हैं, ये 100% वही जा रहे हैं, गुरु तोमर लेक नॉर्थ सिक्किम। आगे चल के मुलाकात तो हो ही जाएगी। गुवाहाटी 550 किलोमीटर, दार्जिलिंग 99 और जलपाईगुड़ी 73। वो लोग चाय पिक कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं ना। कितना सुंदर सा लग रहा है यहाँ पे। तक बस टी प्लांटेशन है, अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं अभी तक गाड़ी में तेल नहीं डाला हूँ, मैं देख रहा हूँ 4 लीटर में मैं कितना दूर तक पहुँच सकता हूँ। ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी तक तो पहुँच ही गया, इसका मतलब माइलेज 55 किलोमीटर है 1 लीटर पर। बाकी ख़त्म अगर हो जाती है तो मेरे पास तेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
काफी सुंदर लग रहा है ना। अब भाई थोड़ी सी स्पीड कम कर रहा है। ओहो ये तो खतरनाक लग रहा है, यहाँ पे तो रुकना बनता है। अरे मेरा बैग फिर से गिर गया, इसका कुछ प्रबंध करना पड़ेगा मुझे। है ना काफी सुंदर है ना। बच कितना रहेगा चेक कर लेता हूँ। 2:27 और 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आराम से रुक रुक के पहुँच रहा हूँ और एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ से और कितना दूर है। यहाँ से 19 किलोमीटर है, बस 32 मिनट पहुँच ही गया ऑलमोस्ट। शुरू हो गया, हो गई, लेट्स गो। अचानक से रोड कैसे खराब हो गई, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से नरक में आ गया। इतना अच्छा सा मक्खन जैसे रोड था, लगता है यही थोड़ा सा आगे चल के फिर से रोड अच्छी हो जाएगी। आगे चल के बाएं तरफ जाने से ककरभिट्टा आती है जो कि नेपाल की बॉर्डर है। जब मैं नेपाल गया था तो यहीं से ककरभिट्टा को पार करके ही मैं नेपाल गया था। कोलकाता से बस ली थी और मैं मतलब सिलीगुड़ी घुसने के पहले ही उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। आगे चल के बाएं तरफ ककरभिट्टा है, तो उधर से नेपाल की बॉर्डर शुरू होती है। वहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ से आप नेपाल जा सकते हो, मैं वहीं से गया था और वहीं से आया भी था। यहाँ पे कुछ ब्रिज बन रहा है लगता है। पानी टंकी जो कि ककरभिट्टा के तरफ जाती है रोड, वो इस तरफ चली जाती है नेपाल बॉर्डर के तरफ, सिलीगुड़ी उस तरफ और फुलबारी भी उस तरफ। तो अगर आप कलकत्ता से आ रहे हो तो आपको सिलीगुड़ी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे बस से उतर सकते हो और ककरभिट्टा जा सकते हो। ये वाली रोड ककरभिट्टा जाती है और हम चले अभी सिलीगुड़ी क्योंकि हम ककरभिट्टा जा चुके हैं। बस एक बेड है, एक छोटा सा टेबल है और सिलीगुड़ी में 400 रुपये में मतलब इतना साफ सुथरा रूम मिलना बहुत बड़ी बात है। बस यही है कि वॉशरूम बाहर है, ये कॉमन वॉशरूम है सबके लिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी रूम बनाई हुई है और बाहर जो है वो वॉशरूम बनी हुई है वहाँ पे। तो सबसे पहले रूम लेके मैं खाना खाने दौड़ा क्योंकि मुझे सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो सबसे पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मुझे ये जो वायर है ना, ये इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जो मेरी बैकपैक है वो बार बार नीचे गिर जा रही थी और मेरे पास बस एक ही था ये, तो ये मुझे खरीदना था। तो खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं ये ख़रीदा। अब वापस रूम में आ चुका हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और देखूँगा डिनर करने रात को बाहर जाऊँगा। तो कल का प्रोग्राम यही है कि कल सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके मैं निकलने वाला हूँ गैंगटॉक के लिए। तो आज के लिए अब मैं रेस्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब ये एक सपना था जो मैंने पूरा कर लिया, अब चलते हैं आगे।